हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये आपकी आखिरी क्लास है स्ट्रेट लाइन की। एक क्वेश्चन रह गया था बच्चों का डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो पढ़ते जरा, लिखा है देखो सर, सबसे पहले लिखा है 1 अप्रैल 2019 में आपने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर नंबर 1, और उसका जो कॉस्ट है वो कितना है 55,000। ये विदाउट रेट वाला तो कॉस्ट दे रखा आपको, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है और लाइफ दी हुई है, ये सब आपको गिवन है। तो इसका कॉस्ट है 55, आगे लिखा है इट वाज एस्टिमेटेड टू बी लाइफ इज 10 ईयर्स। लाइफ कितने साल है? 10 साल। और 10 साल के बाद जब इसको हम सेल करेंगे तो मतलब स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। कोई दिक्कत? 55 उसकी कॉस्ट, 5,000 स्क्रैप वैल्यू और लाइफ है 10 साल। ठीक, उसी के आगे लिखा है एडिशनल वर्ज मेड, दो और एडिशनल मशीनरी खरीदी हमने 1 अप्रैल 2020 में और 1 अक्टूबर 2022 में, और उनकी कॉस्ट जो इस पहले ये मतलब फर्नीचर सेकंड हो गया, ये फर्नीचर थर्ड हो गया। इसकी कॉस्ट है 9,500, इसकी है 8,400। फिर लिखा था रिसीडेबल वैल्यू, रिसीडेबल मतलब स्क्रैप वैल्यू पे, इसकी है 500, इसकी है 400, और लाइफ तो वही है जो था, 10 साल इनकी भी लाइफ है। फिर लिखा सो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द 1st 4 ईयर, पहले 4 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है, यही है ना क्वेश्चन। 3 फर्नीचर खरीदे आपने, रेट है नहीं तो फॉर्म लगा के निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो पहले वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन फार्मूला क्या लगेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो फर्नीचर फर्स्ट, फर्नीचर सेकंड, फर्नीचर थर्ड। पहले फर्नीचर की कॉस्ट है 55, स्क्रैप है 5, लाइफ है 10, यानी पहले फर्नीचर पे पूरे साल में 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा, कोई दिक्कत? दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो 9,500 उसकी कॉस्ट है, लाइफ स्क्रैप है 10, मतलब 500, लाइफ है 10 साल, तो दूसरे फर्नीचर पे 900 रुपये पर आना, मतलब पूरे साल में 900 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर मैं थर्ड की बात करूँ, 8,400 माइनस 400 अपॉन 10, मतलब तीसरे में 800 रुपये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, कोई दिक्कत? याद है, क्लियर है। अब अकाउंट बनाना है, अकाउंट जरा बना लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट बनाना है 4 साल का, फर्नीचर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले की देखो डेट आपकी, आपने 1 अप्रैल 2019 में खरीदा पहला फर्नीचर, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 टू बैंक अकाउंट फर्नीचर नंबर 1, कितने खरीदा है? 55,000 का। दूसरा जो खरीदा वो अगले साल खरीदा है, तो पहले साल में तो एक ही खरीदा, तो एंड पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे 31 मार्च 2020, और जो डेप्रिसिएशन लगेगा पहले फर्नीचर पे कितना लगता है? पूरे साल का 5,000 रुपये, पूरा साल हो गया, एक साल ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत पहले साल में? हमें 4 साल बनाना भी है, पहला साल हुआ इसमें से, तो 50,000 रुपये का बैलेंस आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये अगले साल का बैलेंस हो गया 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी 50,000। देखो दूसरे साल का जो एंड होगा वो 31 मार्च 2021 में होगा, लेकिन अब ध्यान से देखो तो उससे पहले आपने एक और फर्नीचर खरीदा अप्रैल 2020 में 9,500 का, लिख दोगे सेम डेट को खरीदा टू बैंक फर्नीचर नंबर 2, ये फर्स्ट था, सेकंड कितने खरीदा आपने? 9,500 का। अब इस साल दो फर्नीचर, तो दोनों पे डैप लगेगा, फर्नीचर फर्स्ट पे जो लगेगा वो 5,000 लगेगा, और सेकंड भी अप्रैल से लेकर मार्च पूरे साल का, तो फर्नीचर सेकंड पे पूरे साल का कितना था? 900 रुपये था, कोई दिक्कत? दूसरा साल खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया, समझ में आएगा होगा, वैसे ही करना बस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब करा ही देते इसको 5,900, तो बैलेंस आ गया 53,600, 2 साल हो गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? ये अगले साल का बैलेंस हो जाएगा, आगे जगह तो यहाँ नहीं बची, आगे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं मशीनरी, सॉरी फर्नीचर था ना ये,
फर्नीचर अकाउंट, अभी आपके 2 साल हुए, 2 साल अभी भी बाकी है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल वाले क्वेश्चन कराया था ना रेट के साथ, वैसे क्वेश्चन बताइए बिना वो रेट वाला है, तो आपको वहाँ से देखना है। और क्वेश्चन उसके जैसा ही है, सेल हुआ ही नहीं इसमें। अब तीसरा साल आएगा तो 1 अप्रैल कब ख़त्म किया था हमने, 21 आ गया। टू बैलेंस बीडी कितना आया था बैलेंस, 53,600 एंड होगा 31 मार्च 2022। तो इसके बीच में तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो अगली फर्नीचर खरीदी गई है वो अक्टूबर 2022 में ख़रीदा है, तो इस साल में तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो एंड कर देंगे, एंड पे डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास कितने फर्नीचर है, 2 है, फर्नीचर फर्स्ट और फर्नीचर सेकेंड। पहले पे 5,000, दूसरे पे 900, टोटल कर लेंगे। घटाएंगे तो जो बचेगा बाय बैलेंस सीडी, ₹47,700 का बैलेंस आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी तो बताओ, ये अगले साल का बैलेंस हो गया। और इस साल आपने ना अक्टूबर में एक और फर्नीचर खरीदा था, 1 अक्टूबर 2022 को, टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर नंबर 3rd 8,400 का। कोई दिक्कत? अब जब एंड होगा तो एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और जब डेप्रिसिएशन लगा तो इस साल मेरे पास कितने फर्नीचर हैं, 3 फर्नीचर है। फर्नीचर फर्स्ट पे पूरे साल का 5,000, फर्नीचर सेकंड पे भी पूरे साल का 900। लेकिन देखो फर्नीचर थर्ड तो आपने अक्टूबर में खरीदा तो 6 महीने का लगना चाहिए, और देखो फर्नीचर थर्ड पे हमने निकाला था पूरे साल का आ रहा था ₹800, पूरे साल का कितना आ रहा था 800, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, ₹400 हो जाएगा, आधा आप सिंपल, बस ख़त्म। कोई दिक्कत? तो देखो इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन हो गए स्ट्रेट लाइन के। और कोई डाउट है तो बस जो रह गया वो कर लो ख़त्म, ये अगले मेथड अब रह गया बस। वैल्यू आ गई 49,800, और ये आपका आंसर निकल गया, ये आ गया आपका बाई बैलेंस सीडी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म। जो ऑनलाइन है बच्चों देख लो ज़रा, ये क्वेश्चन था आपका पहला पेज, ये हमने पहले 2 अकाउंट 2 साल का बनाया, ये अगले 2 साल का बनाया, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन और ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड हमारी तरफ से ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न डाउन मेथड अगले में, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।